देखिए गाइस, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आपको पता अगर करना हो कि कौन सा स्टार्टिंग वाइंडिंग है, कौन सा रनिंग वाइंडिंग है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, हम लोग छोटा सा यहाँ टेस्ट परफॉर्म करेंगे, मल्टीमीटर एक ले लेंगे और यहाँ पे आपको जैसा पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो एंड होंगे, जब हो जाएंगे, कोई सा भी हो सकता है, हमें भी पता नहीं है, और फिर रनिंग जो वाइंडिंग होते हैं उसके भी दो एंड होंगे, यहाँ पे भी कौन सा है मुझे पता नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप लोग एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ पहले। जो हमारा रनिंग वाइंडिंग होता है, रनिंग वाइंडिंग जो होता है वो मोटा होता है, थिक वायर होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो उसका वैल्यू यहाँ पे मल्टीमीटर में हमको कम वैल्यू दिखाई देगा, ठीक है। बट जो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है वो पतला तार का बना होता है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो जिन दो वायर से रेजिस्टेंस हमको ज्यादा मिल जाएगा, समझ लीजिएगा, वो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है, और जिससे कम मिलेगा वो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। पहले एक वायर हम जो है मल्टीमीटर के एक प्रॉब में लगा देते हैं, टच कीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो इधर जो हमारे पास तीन वायर बच गए हैं, अब तीनों में हम लोग चेक करते हैं किस में हमारा आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मल्टीमीटर का पहले रेंज आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर जो है इसको आपको जो है 2000 या फिर 200 ओम के वैल्यू में सेट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे जब हम एक वायर को इस प्रॉब से यहाँ पे टच किए हैं, और पीला वाला वायर देखिए, जरा मैं आपको दिखा दूं, ये वाले से टच किया गया है, तो यहाँ वैल्यू देखिए ओम में कितना दिखा रहा है, 73, ठीक है, 73 दिखा रहा है ओम। तो ये जो है हमारा अब किसका है, ये भी कंफर्म अब होने के लिए अब हमको दूसरा, ये दोनों जो वायर बच गया ना, ये दोनों वायर पे हम लोग चेक करते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। अभी आपको बस ध्यान रखिए, 73 आया है, अब इसमें देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे कितना आ रहा है, 37 आ रहा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। कम होने का मतलब क्या हो गया, ये आपका रनिंग, ये दोनों जो वायर हैं रनिंग वाइंडिंग के छोर हो गए, ठीक है, दो टर्मिनल्स हो गए। और ये दोनों जो बच गए ये दोनों आपका स्टार्टिंग के हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ रहा था रेजिस्टेंस का, 73 ज़्यादा आ रहा था। तो ऐसे आप टर्मिनल्स जो है फाइंड कर सकते हैं मल्टीमीटर के हेल्प से। और अगर बल्ब का यूज कीजिएगा सीरीज टेस्ट लैंप का, तो उसमें आपको उतना पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा मतलब वो कोई देखिए रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा था तो उसको हल्का सा डिम जलना चाहिए था, बट वो आपको आँख से पता नहीं चल पाएगा। इसलिए बेस्ट वे है कि आप मल्टीमीटर का यूज कीजिए। इस टेस्ट से आप जो है टर्मिनल्स को फाइंड कर पाइएगा कि कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा दो एंड जो है रनिंग। देखिए, यहाँ पे तीन कलर एक जैसा ही था, तो यहाँ बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि कौन सा जाएगा, दो स्टार्टिंग का कौन होगा, दो रनिंग का कौन होगा। तो ये आपको इसके लिए आपको इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो गाइस, चलिए इस तरह की वीडियोस फाइनल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।